नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं आज बात करने वाला हूँ हमारे जो पेशेंट्स आते हैं कंप्लेंट्स करके अलग 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 वो कंप्लेंट्स के बारे में कि लोग कैसा प्रेजेंटेशन करते हैं। मैं पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ मनोविकार तज्ञ करके और आपको बताऊँगा अभी मैं कुछ पेशेंट्स। जैसा ये 27 साल की लड़की है और इसने ये कंप्लेंट किया है कि मुझे काम करने का दिल नहीं करता, मरने के विचार आते हैं, जान घबराती है, मन अच्छा नहीं लगता, चक्कर आते रहता है, शरीर में कमजोरी लगती है और कुछ काम करने का मन नहीं करता, सुस्ती बहुत रहती है और काम नहीं करती है, परेशान रहती है, चक्कर आता है, ऐसे सिम्टम्स है। कभी कभी वो बोलती है कि मुझे धड़कन होती है और उसने बताया कि मुझे तंबाकू और खर्रा खाने की आदत है। तो ये जो है ये सिम्टम्स है और मोस्टली ये सिम्टम्स जो है ना ये होते हैं डिप्रेशन के मोस्टली। जब मैंने उनको ये बताया कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो, सब इन्वेस्टिगेशन मतलब ब्लड टेस्ट नॉर्मल निकले, सिटी ब्रेन, फिर थायराइड की टेस्ट सब नॉर्मल निकला और तभी भी उसको ये जब बीमारी है तब उसको मैंने दवाई दिया एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी डिप्रेसेंट्स दवाई देके ये लोग अच्छे होते, ये भी पेशेंट अच्छी हो गई है एंटी डिप्रेसेंट्स लेके। उसके साथ साथ हम सम्मोहन उपचार करते हैं और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी ये भी करते हैं। प्रिय दूसरी पेशेंट है, ये 20 साल की लड़की है और पढ़ाई कर रही है और इसने बताया कि भाई मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता और सुबह उठते उठते बहुत ही उदास लगता है, डिप्रेस लगता है और कुछ तो भी बुरा हो जाएगा ऐसा मन में डर लगता है। उसको अकेले रहने में डर लगता है, अकेला नहीं रह सकती अकेले, और ज़्यादा सोने की इच्छा होती रहती है। ये भी डिप्रेशन की पेशेंट है और ये भी एंटी डिप्रेशन से अच्छी हो सकती है। फिर दूसरा पेशेंट है, 36 साल की उम्र है और इसने कंप्लेंट की है कि भाई पेट में गैस होती है, उसके वजह से सिर में दर्द और सिर भारी लगता है, उल्टी होने जैसा लगता है और ये प्रॉब्लम रोज़ होती रहती है। सिर भारी लगता है और चिड़चिड़ापन आता है, फिर उसको लगता है कि ये सब वजह से स्पर्म काउंट कम हो गया, मतलब टेंशन है, स्ट्रेस है और उसके वजह से स्पर्म काउंट उसका कम हो गया उसको ऐसा लगता है और उसके कारण वो बराबर मतलब उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। जब उसको सेक्स का प्रॉब्लम कुछ ऐसा लगता है कि सेक्स का प्रॉब्लम है और ऐसा विचार मन में आया तो फिर उसको सेक्स का प्रॉब्लम तैयार हो जाता है, मतलब लिंग में कठोरता नहीं आना, ज़्यादा चिंता करना और जल्दी गिर जाना ऐसा हो जाता है। गैस होने के बाद में जो ज़्यादा बहुत गैस होगी तो जीभ का रंग जो है वो सफ़ेद हो जाता है और मुँह में उसके बदबू आती है, रात में सोने के बाद भी मुँह से लाल निकलती है, बहुत पसीना आता है, डर लगता है और उसको हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम है। ये स्ट्रेस की वजह से काफ़ी लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, यदि स्ट्रेस कम करते हैं तो डेफिनेटली हेयर फॉल मतलब गंजापन नहीं आएगा। तो इसको हमने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की दवाई दिया और उसको हिप्नोथेरेपी के लिए कहा और वो काफ़ी अच्छा हो गया। ये जो है 48 साल का व्यक्ति है, पुरुष है और उसमें कंप्लेंट किया कि पिछले 4-5 साल से ये प्रॉब्लम है और उनको वजन कम हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है और बहुत ही एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, एक नाक उसका बीच बीच में बंद हो जाता है, हल्का सा सिर दर्द होता है, संडास में बहुत देर तक बैठना पड़ता है, संडास निकलती नहीं जल्दी और समाधान नहीं होता कि संडास हो गई करके, गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, पेट बहुत भारी भारी लगता है और उसको लगता है कि भाई मुझे जो कोरोना हो गया कोरोना काल में तो उसकी वजह से सब ये प्रॉब्लम तैयार हो गया ऐसा उसको लगता है। फिर मैंने उसको बताया तो आपने बताया 4-5 साल से, नहीं बोले कोरोना से ज़्यादा हो गया, बोले ठीक है कोरोना से ऐसा होता नहीं है, बोले ठीक है अभी उसका इलाज करेंगे। तो उसका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का हमने इलाज किया और वो भी ठीक हो रहा है। फिर ये 32 साल का लड़का है और उसने बोला कि मेरे मूड स्विंग्स काफ़ी होते रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, ओवर थिंकिंग होता है, चिंता, उदासीनता, नींद नहीं आना, भुलक्कड़पना है और बातें बार बार भूल जाता है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है ऐसा उसको लगता है, मन में बहुत विचार आते हैं सुसाइड करने के, खुदकुशी करने के और निगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली उसको आते रहते हैं। किसने कुछ मजाक किया तो उसको दिल को बहुत लग जाता है, उसको उदास लगता है, बहुत ही ख़राब और बुरा लगता है और कहीं भी कुछ भी देखा तो भी उसमें वो निगेटिव ही देखते रहता है, मेरे साथ में कुछ तो भी हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा या कोई बड़ी बीमारी हो जाएंगी,
ऐसा उसको डर लगते लगता है और लोगों के साथ में बहुत घबराहट होती है, नीट बात नहीं कर सकता लोगों के साथ में, और बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको एक अपने में कुछ तभी कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास की कमी है, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, मेरी दवाई हो गई तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ऐसा उसको लगा। मतलब भाई दवाई तो होना ही नहीं है, मेरी दवाई से फ़र्क पड़ेगा भी नहीं क्योंकि आपने बहुत दवाई ली हुई है। उसने बहुत सारी दवाई ली तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उसको बोला मैं आपको दवाई दूंगा नहीं, ये 4-5 साल से हम क्या करेंगे, ये हम उसका इलाज करेंगे सम्मोहन उपचार से और काउंसिलिंग से। तो उसने वो मंजूर किया कि भाई ठीक है मैं काउंसिलिंग को आता हूँ, सम्मोहन उपचार को आता हूँ। उसको मैंने बिना दवाई का सिर्फ जो विचार आते हैं नकारात्मक विचार आते हैं उसको मैंने ठीक कर लिया सिर्फ काउंसिलिंग और हिप्नोथेरेपी से। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।